सर्किट कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जस्ट सर्किट में जो एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं। अब सर्किट फर्स्ट क्या है उसको डिफाइन करेंगे और फिर देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ करते हैं उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक सर्किट वो कम्प्लीट पाथ होता है जिस पर इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है। यानी जब आप इलेक्ट्रिक करंट को एक सूटेबल पाथ प्रोवाइड करते हैं सो उस पाथ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब अगर किसी जगह पर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल करंट मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट इनकम्प्लीट है, और अगर वो मूव कर रहा है करंट वहाँ पर तो मतलब कि सर्किट जो है वो कम्प्लीट है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सिम्बल्स हम यूज़ करते हैं यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट बैटरी से। अब जो सोर्स हम यूज़ करते हैं कि कहाँ से हम इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिंबल हम यूज़ करते हैं बैटरी के लिए। बैटरी यहाँ पर हमारे लिए एक्ट कर रहा है एज अ सोर्स, यहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड किया जा रहा है। अब इससे हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो मॉडिफाई करते हैं, और लेट सपोज ये कंडक्टर हम अटैच कर लेते हैं, इसके साथ करंट यहाँ पर मूव कर रहा है। अब यहाँ पर हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। आप कंसिडर कर ले कि ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब पॉजिटिव टर्मिनल जो हमारे पास होता है किसी भी सोर्स में, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम लेते हैं हायर पोटेंशियल, और जो नेगेटिव होता है उसको हम कंसिडर करते हैं लोअर पोटेंशियल। नेगेटिव नेगेटिव इज लोअर पोटेंशियल। सो अगर आप देखें जो बैटरी में हमने दिखाया है, जो लॉन्ग बार है वो रिप्रेजेंट करता है हायर पोटेंशियल को पॉजिटिव, और जो स्मॉल बार है वो लोअर पोटेंशियल को शो कर रहा है। सो यहाँ पर आप देखिए हमने कंडक्टर इसके साथ अटैच किया हुआ है। अब यहाँ पर करंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो हम लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यहाँ से यूं करंट मूव करेगा। अब इसमें हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। फर्स्ट लेट्स सपोज हम यहाँ पर फर्स्ट इंसर्ट कर रहे हैं एक डिवाइस, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। वी रिप्रेजेंट करता है वोल्ट मीटर को। यहाँ से हम ये जो वोल्ट मीटर यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं इसका पर्पज़ ये होता है कि हमें वोल्टेज की मेजरमेंट दे दे, पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट दे दे, कितना वोल्टेज यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। या इसकी जगह हम एक और यहाँ पर डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं एम मीटर, उसका पर्पज़ ये होता है कि वो हमें इलेक्ट्रिकल करंट की जो है वो मैग्नीट्यूड देता है कि कितना इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, एम मीटर, वोल्ट मीटर एटसेट्रा। अब ये तो हमें इलेक्ट्रिकल डिवाइस की वो इंट्रोडक्शन सामने आती है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होते हैं वो किस तरह मेजर करते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर सपोज एक बल्ब अटैच कर लेते हैं, एक बल्ब जो कि हम लाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये इसका सिंबल है हमारे पास, बल्ब का जो सिंबल है वो हम यूँ ड्रा करते हैं, ये शो कर रहा है बल्ब को। बल्ब एक्चुअली क्या करता है, हमें लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है, लाइटनिंग देता है। दिस इज बल्ब, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्जेस की फॉर्म में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है बल्ब में, और एज अ रिजल्ट वो हमें क्या देता है, लाइट देता है। इसके बाद यहाँ पर सपोज हम एक और एलिमेंट यूज कर रहे हैं स्विच। स्विच जिस तरह के पहले हमने पढ़ा था कि वो एलिमेंट होता है स्विच किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो इस सर्किट को क्लोज या ओपन करता है। क्लोज का मतलब ये होता है कि जो सर्किट है उसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रहा है, सॉरी फ्लो नहीं, यस फ्लो कर रहा है, और जो ओपन है वहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं करेगा। अब यहाँ पर चूंकि देखें दोनों एक दूसरे के साथ डिसकनेक्टेड है, दोनों का अटैचमेंट नहीं एक दूसरे के साथ, सो इट मींस कि ये ओपन सर्किट है। अब इनको अगर हम इस तरह अटैच कर ले फिर यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, सो इसको हम कहेंगे ये क्लोज्ड सर्किट है। इसी तरह हम देखिए यहाँ पर रेजिस्टर्स ड्रा कर सकते हैं। ये हम ड्रा कर रहे हैं कि रेजिस्टर, रेजिस्टर वो एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को अपोज करता है उसके मोशन को। यानी जो हमारे पास
इलेक्ट्रिकल करंट होता है उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि जितना हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना इलेक्ट्रिकल करंट कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस अगर हम कम कर लेंगे तो इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो इंक्रीज होगा। इस तरह का अगर सिंबल हम ड्रा करें तो उसको हम कहते हैं फिक्स्ड रेजिस्टर। और अगर इसके ऊपर हम कोई एरो पुट कर लें, इस तरह एरो पुट कर लें, सो वो होगा फिर वेरिएबल रेजिस्टर। यानी यहाँ पर अगर इन दोनों को हम शो कर लें, ये इस तरह का सिंबल हो, सो ये फिक्स्ड रेजिस्टर होगा, मतलब वो रेजिस्टर जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती, एक ही वैल्यू होती है। और अगर इसको हम यू ड्रा कर लें, एक रेजिस्टर है उसके ऊपर ये एरो का साइन ड्रा कर लें, तो फिर इसका मतलब होगा वेरिएबल रेजिस्टर, यानी इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। और जब वैल्यू हम चेंज करते हैं तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट को कंट्रोल करते हैं। सो ये हमारे पास था एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, जिस तरह के पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये एक्चुअली क्या है, अ पाथ फॉर चार्जेस फ्लो, यानी चार्जेस जिस पाथ पर फ्लो करते हैं उसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। और अगर ये ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, अगर क्लोज्ड है तो करंट फ्लो करेगा। और ये हमने मुख्तलिफ इसमें जो आम तौर पर यूज़ होते हैं, जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं कॉमनली, वो हमने शो किए हैं, बल्ब या वोल्ट मीटर, इसी तरह स्विच या रेजिस्टर, और एक जनरल नाम हम यूज़ करते हैं एलिमेंट्स के लिए जो कि है लोड। लोड हम जनरली इससे कोई भी एलिमेंट जो है वो डिनोट कर सकते हैं, फैन या इलेक्ट्रिक आयरन या टेलीविजन एट्सेट्रा, जितने भी हम यूज़ करते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ लोड।